नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम इस वीडियो में आपके ही प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। मतलब आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे थे उसके जवाब मैं अब देने वाला हूँ। हालांकि मैंने उसी समय कमेंट करके उन प्रश्नों के जवाब दे दिए थे, लेकिन वही प्रश्न बहुत से लोगों का होता है, तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि उनके क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि अगर मुझसे आपके चैनल का नाम या आपका नाम लेने में त्रुटि हो जाती है या गलती हो जाती है, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला कमेंट ले लेते हैं। तो पहला कमेंट है युवराज आदर्श का लखनवी अंदाज के लिए, क्या ये पूरा चैप्टर का एक एक कंप्लीट डायलॉग कवर करता है? हाँ युवराज जी, ये पूरा एक एक डायलॉग इस चैप्टर का, इस मूवी कह लो, इसको शॉर्ट मूवी कह लो, इसमें ये पूरा कवर करता है। तो अगला कमेंट है महिमा असावरा का अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के लिए, नाइस वीडियो सर, मुझे ये समझ नहीं आया आपका ये वीडियो किसी ने डिसलाइक क्यों किया। देखिए महिमा जी, ये तो मानव का स्वभाव रहा है कि अलग उसके अलग अलग विचार होते हैं, तो हमारा जो वीडियो था ये हो सकता है कि किसी को पसंद नहीं आया, इस वजह से उन्होंने डिसलाइक कर दिया। अगला कमेंट है मनीष शर्मा का, सर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ मनीष जी, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। यो सूरज खुशवा अगला कमेंट करते हैं, पूछते हैं नाइस बट सर प्लीज इम्प्रूव योर वीडियो क्वालिटी बिकॉज वीडियो क्वालिटी इज टू लो, सो आई कांट वॉच परफेक्टली बट आई लाइक इट दिस वीडियो। तो पहले तो आपका शुक्रिया सूरज जी, आपने तारीफ की इस वीडियो की, लेकिन हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि वीडियो क्वालिटीज मेरे दो चार वीडियो या शायद इससे भी ज्यादा वीडियो में अच्छी नहीं है। उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि ये कुछ वीडियो मैंने बहुत साल पहले बनाई थी, इन बातों को 5-7 साल बीत चुके हैं, तो 5-7 साल पहले जो फोन में कैमराज आते थे वो बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे, और आज स्थिति बदल गई है, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। तो जो मैं रिकॉर्ड किया करता था ये वीडियो, तो वो फोन से ही किया करता था, और मेरे पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, आज भी नहीं है, और शायद मुझे जरूरत भी नहीं है। तो फोन से रिकॉर्ड करने के बाद जब एडिटिंग हुआ करती थी वो भी मैं फोन से ही किया करता था, तो जो बाहर निकलकर जो वीडियो आती थी यानी एडिटिंग करने के बाद एक्सप्लोर होती थी, तो उसके बाद जो बाहर निकल के वो वीडियो क्वालिटी दिखती थी मुझे, वो सच में लो होती थी। तो लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य पाठ को समझाना था, जो शायद इन वीडियो को देखकर मुझे लगता है कि मैं इसमें सक्सेस रहा हूं। बाकी आप बताइए जैसा आपको ठीक लगा। अगला कमेंट है आकाश पाटले, सर हिंदी भाषा की शुद्धिकरण के लिए वीडियो बनाए, यह हिंदी लिखते वक्त आने वाले गलतियों को कैसे सुधारे गुरुजी? इस पर भी वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे, लेकिन अभी आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जरूर आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी। अगला कमेंट है बरबॉक्सिस वेम्पायर, सर मुझे आज तक हिंदी समझ नहीं आती है थी, पर सर यू आर ग्रेट, ये मैंने आपकी पहली वीडियो देखी, यू आर द बेस्ट, शुक्रिया। अगला कमेंट है अवनी कौर चंदी, सर आई एम योर बिग फैन, बहुत अच्छा समझाते हैं आप, शुक्रिया आपने तारीफ की। अगला कमेंट है खुशी पाटिल का, वेरी नाइस वीडियो सर, एक्चुअली आई रियली डोंट लाइक हिंदी ग्रामर बट बिकॉज ऑफ योर एक्सप्लेनेशन आई अंडरस्टूड इट क्विकली। खुशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है राहुल सिंह चौहान, एक बार भी इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो जीवन में वाच्य गलत नहीं होगा, थैंक यू फॉर द वीडियो, गॉड ब्लेस यू सर, शुक्रिया राहुल जी। अगला प्रश्न है एटोल 79 का, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद के लिए है, नाइस वर्क सर बट प्लीज अपनी साउंड थोड़ी तेज करिए, सुनाई नहीं देता है ठीक से। भाई एटोल जी जिसका भी ये चैनल है, ऐसा आप पहले ही हैं जो मुझे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये गंभीर समस्या है, अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो मुझे जरूर बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी आवाज सच में नहीं सुनाई देती है या बहुत कम सुनाई दे रही है, तो अगर ये समस्या है तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। चलिए अगला कमेंट है प्रियांशु कुमार, 18 अक्टूबर 2018 हिंदी पेपर, थैंक्स सर तैयारी पूरी है, बेस्ट ऑफ लक प्रियांशु जी। अगला कमेंट है रजत सिंह,
सर आप ऑनलाइन ट्यूशन दोगे, इसका आपको मुंह मांगी प्राइस दूंगा। तो रजत जी आपको मुंह मांगी प्राइस देने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन ट्यूशन ही दे रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप जैसो और से भी कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपने इतना प्यार दे रखा है मुझे, तो मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब कुछ ऐसे कमेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स के हैं, जिनको मैंने स्कूल में पढ़ाया है, उन स्टूडेंट्स के मैं कुछ जल्दी से कमेंट्स ले लेता हूँ। विवेक शर्मा, सर कृतिका के पाठों की वीडियो प्लीज, एंड वी मिस यू सर। विवेक बच्चे, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। रही बात कृतिका के पाठों की, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द इन पर वीडियो डाली जाए, देखते हैं बाकी समय के अनुसार। सुजल गाबा, सर ये वीडियो तो समझ में आ गई, लेकिन जैसे बुक में एग्जाम्पल्स हैं जिनका हमको मतलब नहीं पता चलता, तो उसमें कैसे पहचान करें। ये जो कमेंट है वो रस से संबंधित है। तो सुजल बच्चे, रस एक ऐसा टॉपिक है जिसके जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन रही बात जिनकी आपको हिंदी नहीं आती, क्योंकि ये सही भी बात है कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो और 10th स्टैंडर्ड में आपको हर कविताओं की हिंदी नहीं आती होगी, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ो बुक में से, और फिर जो 10th क्लास के एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे वो आपके लेवल के ही होंगे, तो आप शायद आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अपनी तैयारी मत छोड़ना। तो बेस्ट ऑफ लक। निर्भय राजपूत, नाइस एफर्ट सर जी, थैंक्स बच्चे। इनका एक और भी कमेंट है, सर कविताओं के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो कब डालोगे। बच्चे बहुत जल्दी कोशिश करूंगा डालने की, लेकिन अगर मैं नहीं डाल पाता तो उसके लिए माफ कर देना। ज्योति वत्स, वेरी नाइस वीडियो, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फॉर कमेंट, दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर माई यंगर सिस्टर। बेस्ट ऑफ लक ज्योति बच्चे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अमन फ्रॉम USIS, योर वीडियोज आर सो गुड, थैंक्स बच्चे। निर्भय राजपूत का एक और कमेंट भी है, मिस यू वेरी मच सर। बच्चे मैं भी इस बात का भी जवाब दे ही चुका हूँ कि मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड या हिंदी विषय में किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो दिल में मत रखना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।